मित्रों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और फिजिकल जियोग्राफी में जो हमारा क्विक जियोग्राफी वाला सेक्शन है, उसमें हम आज पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन वल्केनिसिटी, वल्केनिज्म एंड वल्केनो। मतलब कि वल्केनो, वल्केनिसिटी और वल्केनिज्म, ये तीन शब्दावलियाँ हम अक्सर प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे लोग इन तीनों में अंतर स्थापित नहीं कर पाते हैं कि वल्केनिसिटी और वल्केनिज्म, इन तीनों को एक ही समझते हैं, उसमें अंतर ही नहीं कर पाते। तो आज के इस छोटे से अध्याय में, यद्यपि हम लोग ऑलरेडी ज्वालामुखी के विस्तृत अध्याय पढ़ चुके हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स, लेकिन क्विक जियोग्राफी के सेक्शन में आज हम बात करेंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है। छोटा सा वीडियो होगा, बस मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, क्योंकि इसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप ज्वालामुखी पढ़ेंगे कभी भी, तो वोल्केनो, वोल्केनिसिटी और वोल्केनिज्म, ये शब्दावलियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा प्रयोग होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने एक, मैंने ज्वालामुखी का एक मॉडल सा बनाया है। तो तीन शब्द हैं, एक तो होता है वोल्केनो, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का तात्पर्य बेसिकली आप जानते होंगे कि एक प्रकार का, अगर हम ज्वालामुखी शब्द को अगर हम डिफाइन करेंगे, तो ऐसा मुख जिससे ज्वाला निकलती हो। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, तो ये कुछ गोल छिद्र जैसा हमें देखने को मिल रहा है, और यहीं से अंदर पाइप जुड़ी होती है, और नीचे से जो मैग्मा है वो आता है, और जब बाहर आता है तो उसे हम लावा बोलते हैं। लावा, विखंडित पदार्थ, चट्टान के टुकड़े, बहुत सारी चीजें इससे बाहर निकलती हैं, ये सभी चीजें आप लोग जानते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में तो एक छिद्र, पहले पहाड़ नहीं बनता है, स्टार्टिंग में एक छोटा सा छिद्र कहीं होता है, ठीक है। उसी छिद्र के पास जब प्रेशर पड़ता है, तो तेजी से विस्फोट होता है, और जब तेजी से विस्फोट होता है, तो इस प्रकार का शंकु हमें देखने को मिलता है। ये शंकु कैसे बनता है? सिंपल सी बात है, जब ये मान लीजिए सरफेस पे एक छोटा सा छिद्र है, और नीचे से जो मटेरियल है वो नीचे से आ रहा है। जब ये नीचे से मटेरियल आएगा, यहाँ प्रेशर लगाएगा, तो यहाँ तेजी से विस्फोट होगा, और बहुत सारे कंकड़, पत्थर के टुकड़े, लावा, बहुत सारे विखंडित पदार्थ, फ्रेगमेंटल मटेरियल्स, इन सब को मिला करके ये सब जब जम जाएंगे, तो इस प्रकार का शंकु हमको देखने को मिलेगा। और शंकु हमारे कई तरह के होते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, सिंडर कोन, कंपोजिट कोन, पैरासाइट कोन, एसिड लावा कोन, बेसिक लावा कोन, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये हो गया आपका। ये जब हम ज्वालामुखी बोल रहे हैं, वैसे तो अगर मान लीजिए आप जियोग्राफी के स्टूडेंट नहीं हैं, नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में हम लोग एक साथ, मतलब हम लोग इतना डिफरेंस नहीं जानते कि वोल्केनो और वोल्केनिसिटी में क्या अंतर होता है, लेकिन चूंकि हम लोग जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग को थोड़ा डीप पता होना जरूरी है। तो जब हम मान लीजिए बोल रहे हैं वोल्केनो, या हम बोल रहे हैं ज्वालामुखी, तो हमारा तात्पर्य सिर्फ इस छिद्र से है, ठीक है। ये जो छिद्र है जहां से जो मटेरियल है वो आ रहा है, हमारा तात्पर्य सिर्फ उस छिद्र से है। वहीं दूसरी ओर अगर हम मान लीजिए बोल रहे हैं वल्केनिसिटी, दो शब्द मैंने आपको बताया, एक वल्केनो, वल्केनो मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि सिर्फ वह छिद्र, स्टार्टिंग में छोटा सा छिद्र था, फिर तेजी से विस्फोट हुआ, तो इस प्रकार का शंकु बन गया कि कोन बन गया। तो जब हम वोल्केनो बोल रहे हैं, ये तो वोल्केनो की हिंदी होगी ज्वालामुखी, मतलब कि वह मुख जहाँ से ज्वाला आपकी निकल रही है, ये चीज क्लियर हो गई। अब सेकंड जो हमारा टर्म है वो है वोल्केनिसिटी, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत यहाँ तो केवल छिद्र की बात थी ज्वालामुखी में, लेकिन वोल्केनिसिटी की हिंदी होती है ज्वालामुखी क्रिया। इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, पृथ्वी के अंदर मैग्मा की उत्पत्ति, गैसों की उत्पत्ति, इन सब की उत्पत्ति, और उनके ऊपर की ओर चढ़ना उनका, ये नीचे धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हैं वो, चढ़ने के बाद फिर उनका बाहर की ओर प्रकट होना,
और जब वो बाहर प्रकट होते हैं तो प्रकट होने के बाद तरह तरह के लैंड फॉर्म्स बनाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो हमारी होती है ये कहलाती है ज्वालामुखी क्रिया, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वल्केनिसिटी। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि मैग्मा कैसे बनता है, मैग्मा का फॉर्मेशन करते हो कैसे होता है। मैग्मा हम लोग बचपन से क्लास 5th 6th से पढ़ते चले आ रहे हैं कि मैग्मा, तो उसमें मैं क्लियर कर दूं कि जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको पता होना ज़रूरी है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक हमारी ये हैवी प्लेट है और एक हमारी ये अगर हल्की दो प्लेट्स हैं, ये वाली हल्की है ये वाली भारी है, तो इसमें सिंपल सा ये नियम है इसमें कि जो हमारी हल्की वाली प्लेट होगी वो नहीं, जो हमारी ये हैवी वाली प्लेट होगी, जो भारी प्लेट होगी वो अंदर चली जाएगी, इसका क्षेपण हो जाएगा। इसके अंदर जाने को, जो भारी प्लेट होती है वो अंदर चली जाती है पृथ्वी में, उसको हम लोग बोलते हैं सबडक्शन इंग्लिश में, या हम उसको क्षेपण भी हिंदी में कहते हैं। तो जब ये वाली प्लेट अंदर जाएगी तो एक स्थान पे जाके, जिसे हम लोग बेनिंग ऑफ जोन कहते हैं, वहां पर जाके ये पिघल जाती है। ठीक है, ये प्लेट आपकी पिघल जाती है, और जब ये पिघलती है उसी से हमारा मैग्मा का फॉर्मेशन होता है। और जो मैग्मा है तरल पदार्थ, वो जब बाहर आता है तो उसको हम लावा कहते हैं। तो मैग्मा और लावा में बेसिकली पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता, बस जब वो पृथ्वी के अंदर है तब तक वो मैग्मा है। अगर सरफेस पे प्रकट हो गया है, या तो सेंट्रल इरप्शन से होगा या फिशर इरप्शन से होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, तब हम उसको कहेंगे ये लावा है। तो लावा और मैग्मा, ये दो शब्दों में अंतर पता होना ज़रूरी है। और दूसरा, मैग्मा का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि चट्टान जो प्लेट है वो एक प्रकार का रॉकी पार्ट है, रॉकी मटेरियल है। तो जब ये जो प्लेट है ठोस, ये जब अंदर की ओर जाती है तो ये अंदर जाके पिघलती है। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत हम जटिल शब्दों का यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मैग्मा चैम्बर, बेनी ऑफ जोन, एस्थेनोस्फियर, हम उतने टफ शब्द का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर आपको बताना हो कि मैग्मा कैसे बनता है, तो जो प्लेट है, प्लेट जब अंदर जाती है, इस समय प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सर्वमान्य है तो हम लोग उसी को बेस बनाते हुए चल रहे हैं। प्लेट अंदर गई, जैसे इंडियन और यूशियन प्लेट का आपस में टकराहट हुई, इंडियन प्लेट बाहर ही है, इंडियन प्लेट अंदर गई, और जब कोई भी प्लेट अंदर जाएगी तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी में, जैसे जैसे हम, मान लीजिए हम पृथ्वी पे हैं, ये हम खड़े हैं, मान लीजिए हम अगर ऊपर जाएंगे वायुमंडल में, हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन होता जाता है। आपको पता होगा कि प्रति एक किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन अगर हम नीचे आएंगे तो इसके विपरीत, प्रति 100 मीटर पर लगभग 2 से 3 डिग्री जो सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो यही कारण हुआ कि अंदर जाके टेम्परेचर बढ़ेगा और ये जो हमारी प्लेट है ये पिघल जाएगी और उसी से हमारा मैग्मा बनेगा। तो मैग्मा का बनना, उसके बाद आपका गैस, गैसों की उत्पत्ति अंदर होती है, ये सभी चीज़ें बाहर की ओर आती हैं, बाहर की ओर प्रकट होती हैं, या तो फिशर इरप्शन से होंगी या सेंट्रल इरप्शन से होंगी। और फिर क्या होगा, जब ये तो सभी चीज़ें आ जाएंगी तो इनके आने के बाद, इनके आने के साथ ही तरह तरह के स्थल रूप बनेंगे, स्थलाकृतियाँ बनेंगी। जैसे अगर सेंट्रल इरप्शन होगा तो आपको पता है कि सेंट्रल इरप्शन में तरह तरह के कोन्स बनते हैं, जैसे सिंडर कोन, ऐश कोन, कंपोजिट कोन, पैरासाइट कोन, और भी तरह तरह के। और अगर आपका फिशर इरप्शन होता है तो उसमें क्या होता है, फिशर इरप्शन वाले में तरह तरह के मैदान बनते हैं, पठार, जैसे लावा मैदान जिसको हम बोलते हैं, लावा प्लेन, लावा प्लेटो, इस तरह के बनते हैं। तो ये हो गया। अब तीसरा एक और टर्म यूज होता है, वो होता है वल्केनिज्म। तो वल्केनिज्म और वल्केनिसिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक विद्वान हमारे थे वॉरसेस्टर, वॉरसेस्टर महोदय ने वल्केनिसिटी, ज्वालामुखी क्रिया के लिए वल्केनिज्म शब्द का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों ज्वालामुखी में और ज्वालामुखी क्रिया में डिफरेंस। अगर हम इंग्लिश में देखें तो डिफरेंस बिटवीन वोल्केनोस, वल्केनिसिटी एंड वल्केनिज्म। अगर मैं फिर से एक रिवाइज करवा दूं तो वल्केनो का मतलब होता है सिर्फ वह छिद्र जहाँ से पदार्थ बाहर आ रहे हैं, बस उतना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जब हम वल्केनिसिटी बोल देते हैं, जब हम वल्केनिज्म बोल देते हैं, तो उसका मतलब
इन पदार्थों का जो बाहर की ओर आ रहे हैं, जिसमें गैस है, लावा, बहुत सारी चीजें हैं, इन सब का अंदर की ओर निर्माण होना, इनका बाहर की ओर आना और बाहर की ओर आने के क्रम में तरह तरह के स्थल रूपों का निर्माण करना, ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया को जब हम सम्मिलित करते हैं तब हम वोल्केनिसिटी शब्द का प्रयोग करते हैं और उसी को हम वोल्केनिज्म भी कहते हैं। वोर्सेस्टर मोदे ने उसको वोल्केनिज्म कहा है और ये हो गया वोल्केनो। अब इसके लिए सबसे उचित ये है कि उलरीज और मॉर्गन दो बहुत ही बड़े जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, इनकी डिफिनेशन को आप कंसीडर करें, स्क्रीन पे आ रही होगी, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत सारी बुक्स में नेट पे आपको मिल जाएगी डिफिनेशन। ज्वालामुखी क्रिया वह है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भीतर गैस एवं लावा की उत्पत्ति से लेकर उनकी पृथ्वी के भीतर तथा बाहर प्रकट होने की सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं। उलरीज और मॉर्गन की ये बहुत ही अच्छी परिभाषा, और इस परिभाषा को अगर आप हमेशा याद रखेंगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा कि अगर हम वोल्केनिसिटी बोल रहे हैं तो वोल्केनिसिटी में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, गैस लावा का बनना, सभी चीज़ों का बाहर निकलना और बाहर निकलने के बाद तरह तरह के स्थल रूपों का निर्माण। ये हो गया आपका वोल्केनिज्म और वोल्केनिसिटी। और आपका वोल्केनो, वोल्केनो मतलब हो गया सिर्फ वह क्षेत्र जहाँ से ये चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो ये था छोटा सा चैप्टर जिसमें हम लोगों ने डिफरेंस पे बात की कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वोल्केनो, वोल्केनिसिटी एंड वोल्केनिज्म। उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिली हो, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, अगर इस पर प्रश्न आता है तो आप इसको बता सकते हैं। तो इसको लाइक करें, शेयर भी करें, और आगे हम लोग क्विक जियोग्राफी के सेक्शन को कंटिन्यू रखेंगे और ऐसे छोटे छोटे इम्पोर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हमारे छोटी छोटी चीज़ें हैं, विषय हैं, उन पे हम लोग बात करते रहेंगे। और बेसिकली क्विक जियोग्राफी को शुरू करने का रीज़न भी यही था क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हम लोग पूरा चैप्टर, बड़ा चैप्टर पढ़ते हैं तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा मिस कर देते हैं, हम लोग जल्दी से पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए फिलहाल इस अध्याय में इतना ही, फिर हम लोग आगे किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।